वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ब्रांचिंग ऑपरेशन को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक ब्रांच टूल का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसके अलावा इसके एडवांटेज क्या है ब्रांचिंग ऑपरेशन के और इसके लिमिटेशंस क्या हैं। ये वीडियो लेक्चर उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि बीटेक कर रहे हैं या एमटेक कर रहे हैं इस जैसे के कोई भी सब्जेक्ट में, चाहे वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग हो या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसी एग्जाम से रिलेटेड, इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा अगर आपका वाइवा होता है या फिर कोई इंटरव्यू देने जाते हैं अपने ब्रांच में जो इसमें ये सब सब्जेक्ट है, तो उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला ही है। इस वीडियो के पहले हम लोग रीमिंग ऑपरेशन और बोरिंग ऑपरेशन को काफ़ी डिटेल में समझ रखा है हम लोगों ने, तो इन सभी में क्या डिफरेंस है ये जानने के लिए आपको सबसे पहले उन वीडियोज़ को देखना पड़ेगा। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपसे आग्रह है कि उसको सबसे पहले जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रोचिंग ऑपरेशन। क्या है ये ब्रोचिंग ऑपरेशन और कैसे ये रीमिंग और बोरिंग ऑपरेशन से डिफरेंट है? तो क्या है भाई, तो ब्रोचिंग इज अ मल्टीपल टूल कटिंग ऑपरेशन। ध्यान रहे जो ब्रोचिंग ऑपरेशन होता है इसमें जो टूल इस्तेमाल में आता है वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, ठीक है। इसलिए इसे हम मल्टी टूल कटिंग ऑपरेशन कहते हैं विद द टूल रिसिप्रोकेटिंग। इसमें टूल जो होता है वो रिसिप्रोकेट करता है और ब्रोचिंग ऑपरेशन होता है जिसके कारण मल्टी टूल कटिंग ऑपरेशन बन जाता है, ठीक है। सिंस इन ब्रोचिंग, ठीक है, द मशीनिंग ऑपरेशन इज कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्ट्रोक। अगर पहले स्ट्रोक की बात कर चुकी है, रिसिप्रोकेटिंग ऑपरेशन है जिसमें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें जो एक बार जो कटिंग होता है वो सिंगल स्ट्रोक में ही आपका पूरा मशीनिंग ऑपरेशन हो जाता है एज द टीथ ऑन द कटिंग टूल्स कॉल्ड ब्रोच। और जो टूल पे कटिंग टीथ जो कटिंग टूथ होते हैं उसको हम जो कटिंग टूल हम इसमें इस्तेमाल करते हैं उसको हम ब्रोच कहते हैं। आर एट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हाई कॉरस्पॉन्डिंग टू द फीड पर टूथ ऑफ अ मिली कटर। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसका जो इसके जो टूल्स होते हैं उसके जो कटिंग एज होता है वो बार बार थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, ठीक है, ताकि एक थोड़ा सा कट के आएगा उसके बाद आगे बार थोड़ा सा और काटेगा, अगली बार थोड़ा सा और काटेगा, इस प्रकार का इसमें अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग टूल जब देखेंगे तो आप लोगों को डिटेल में समझ में आ जाएगा। द शेप ऑफ अ ब्रोच डिटरमाइन द शेप ऑफ द मशीन्ड पार्ट। तो ब्रोच का ही शेप साइज से डिसाइड होगा भाई, जो उसका ब्रोच है यानी कि कटिंग टूल जो इसमें इस्तेमाल में आता है उसका जो डायमीटर होगा, उसका जो साइज होगा, जैसा शेप होगा उसी प्रकार की कटिंग आपको आपके जॉब में मिलेगी, ठीक है। ब्रोचिंग बाज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर मशीनिंग इंटरनल कीवेज। जनरली ये कीवेज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है ब्रोचिंग ऑपरेशन का, बट लुकिंग एट द एडवांटेज, लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है इसलिए इसका इस्तेमाल कई और ऑपरेशंस में भी किए जाते हैं। जनरली शुरुआत में जब ब्रोचिंग ऑपरेशन बना था उससे कीवे ही बनाया जाता था, लेकिन देखा गया कि इससे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है तो कई और भी ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। इट हैज बीन एक्सटेंसिवली यूज इन द मास प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चर। तो अगर आप ऑटोमोबाइल में जॉब वगैरह तलाश रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में तो आपको ब्रोचिंग ऑपरेशन वगैरह आना चाहिए क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, ठीक है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग में फॉर द वेरियस अदर सर्फेस एज वेल, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में ये ब्रोचिंग ऑपरेशन काफ़ी में काम में आता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रोचिंग ऑपरेशन हो रहा है, तो ये आपका जो टूल ये वर्क पीस है जिस पे आप काम कर रहे हैं, इतना को हमको काटना था, ये पहले इतना हुआ करता था, इधर कट गया थोड़ा सा और आगे काटना बाकी है। तो देखो इसमें क्या होता है, तो कटिंग टूल ये है, थोड़ा सा आगे वाला ब्लेड आगे थोड़ा सा और बढ़ाया, इसकी डायमीटर थोड़ा सा और बढ़ा, ये थोड़ा सा और बढ़ा, और इसको जैसे मूव कराएंगे हल्का सा ये काट के जाएगा, हल्का सा को नीचे वाला काटेगा, एक ही ऑपरेशन में एक ही स्लॉट में एक बार ये मूव करेगा टूल और पूरा इतना डायमीटर को काट देगा, ठीक है। यही अगर आप लोग सिंपल लेथ मशीन से ऑपरेशन कर रहे होते तो क्या होता भाई, तब क्या होता कि आपको बार बार एक बार इतना काट के निकालना पड़ता, फिर से अगली बार में इतना काट के निकालना पड़ता, फिर अगली बार में इतना, क्योंकि एक बार में इतना कटिंग फिर तो दे नहीं सकते आप, इतना मटेरियल को तो काट नहीं सकते, आपका कटिंग टूल डैमेज हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर लेथ मशीन से ऑपरेशन कर रहे होते तो थोड़ा सा इतना काटना पड़ता, फिर थोड़ा सा काटना पड़ता है दूसरे सेकेंड स्ट्रोक में, फिर थर्ड स्ट्रोक में काटना पड़ता, फिर फोर्थ स्ट्रोक में काटना पड़ता है, ठीक है। तो सीधे सीधे हम क्या कर देते हैं, ब्रोचिंग टूल लगाते हैं, एक ही स्ट्रोक मारते हैं, पहला जो कटिंग टूल है वो थोड़ा सा काट के निकालता है, दूसरा जो उसका एज है वो थोड़ा सा और काट के निकालता है, इस प्रकार से पूरा कट होकर निकल जाता है, ठीक है। अब ये मत पूछ देना कि सर अगर ये था तो हम कटिंग टूल का जो सिंगल लेथ मशीन में हम सिंगल कटिंग
पॉइंट टूल इस्तेमाल में करते हैं वो क्यों करते हैं भाई, इससे ही कर लेते हैं, कितना अच्छा बात है। कि मैंने बता ही दिया कि सबका अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है दोस्त, ठीक है। उसमें क्या फ़ायदा था भाई, तो उसका अपना फ़ायदा है, इसका अपना फ़ायदा, इस उसमें किसी भी शेप का हम काट सकते थे। इसमें जो है एक बार जो टूल आ गया आपका उसी का ना काटोगे, अब इतना डायमीटर ज़्यादा तो काट नहीं सकते एक बार में, जाहिर सी बात है। और उसमें भाई इतना कट गया, इससे अगर थोड़ा सा कम वाला डायमीटर काटना होता तो नहीं करता इस ब्रश से, ठीक है। तो इसका जो फिक्स डायमीटर है उतना का ही काट के निकालेगा, यानी हर एक के लिए अलग अलग कटिंग टूल आपको चाहिए होगा तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ढेर सारे ब्रश चाहिए होगा हर एक डायमीटर को काटने के लिए तो महंगा पड़ जाएगा। तो हर किसी के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, और ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। ब्रोचिंग का अपना एडवांटेज है, और अगर लेथ मशीन वाला ऑपरेशन जो होता है उसका अपना एडवांटेज होता है, तो वो भी काम आता है, ये भी काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसको जान लेते हैं। द मटेरियल रिमूवर यूजिंग द ब्रोच टीथ इज सोन सिमेट्रिकली इन फिगर्स और इन बिलो। नीचे आपको फिगर में मैंने बता ही रखा है। द डॉटेड लाइन इन द फिगर इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ मटेरियल बींग रिमूव बाय द सक्सेसिव इंडिविजुअल टीथ, ठीक है। जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया था वो क्या था भाई, तो ये मटेरियल रिमूव होना बाकी है, ठीक है। तो उसको दिखाया गया कि पहला मूव में जो इतना काटेगा, दूसरा मूव जो दूसरा टीथ है वो नीचे वाला से काटेगा, ठीक है। उसके बाद डॉटेड लाइन दिखाया गया वो कितना कितना काट के निकालेगा वो दिखाया गया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये है आपका ब्रोच का कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि एक ब्रोच किस प्रकार का होता है, ठीक है। और इसमें सारा का नॉमेक्लेचर किया गया ताकि आप समझ सकें इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा इस प्रकार का ब्रोच होता है, ठीक है। अगर हम टूल के सीधे सीधे से कटिंग एज के बारे में देखें तो देखो ये जितना हाइट होता है उसी को हम कहते हैं टूल डेप्थ, ठीक है, जो कटिंग एज का डेप्थ होता है, और ठीक है। और उसमें देख ही रहो कि इस प्रकार से क्यों दिया जाता है, ठीक है। और ये आपका हल्का सा स्लाइड क्यों किया जाता है, ताकि आपका चीप भी तो मूव करना है, कटेगा तो वो कहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो स्लाइटली टेपर है उसको हम कहते हैं बैक ऑफ एंगल, ठीक है। यहाँ पर एक आपको रेडियस नज़र आ रहा होगा इसे, ठीक है। इसको हम इसी यहाँ पे एक सर्किल सा बन रहा है, जाहिर सी बात है वहाँ से निकलना है जो कट रहा है उसको, ठीक है। तो उसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो है फेस टूल का, इसको हम लैंड टूथ फेस कहते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये जो है आपका इतना से इतना का डिस्टेंस, इसको हम क्या करते हैं भाई, उसको छोड़ो, इसको मेन पहले पकड़ो। ये जो है एक टूथ भाई, ढेर सारे यहाँ पे कटिंग टूथ लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक टूथ से दूसरे कटिंग टूथ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम पिच बोलते हैं, ठीक है। कितना छोड़ छोड़ के, पिच का ही डिफिनेशन होता है, चाहे थ्रेड में जाओ या कहीं पे भी जाओ, यही पिच कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कटिंग है ये देखो ऐसे इस एंगल पे है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हुक और रेक एंगल, ये आपका हुक और रेक एंगल है, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं। अब कहता है अगर ब्रोच आपका ख़राब हो जाता है तो आप इस ऑपरेशन पे आ सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या कर, देखो ये रेडियस है तो यहाँ पे इसको ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडर व्हील इस्तेमाल में आता है, ठीक है। द ग्राइंडर व्हील रिवॉल्व्स हो रहा है, यहाँ पे घूम रहा है ये, और इसको एकदम शार्प बना रहा है, ठीक है। यानी कि जाहिर सी बात इस पे कटिंग जो चिप है वो चलता रहेगा तो इसको बार बार ख़राब करेगा, तो हमको उसको बनाना पड़ेगा ग्राइंडिंग व्हील से, उसको फिर से शार्पेज देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि टूथ को आपको घुमाइए, और इसको ये भी अपना घूमता रहेगा, ये भी अपना घूमता रहेगा, और आप ये शार्प होता रहेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है ये राउंडेड है तो हर तरफ शार्प होना है ना, तो पूरा ऐसे ऐसे ब्रॉन्ज भी घूमता रहेगा, और ये जो आपका ग्राइंडर है वो भी घूमता रहेगा, ताकि यहाँ पे बार बार उसको घिसता रहे, ठीक है। तो ये आपका एक प्रकार से ब्रॉन्ज शार्पनिंग ऑपरेशन है, ठीक है। ब्रॉन्ज अगर आपका खिया गया, उसको कहते हैं खिया जाना, ठीक है, या उसकी धार कम गया, जैसे आपको चाकू का धार कम जाता है, आपका पैदान का धार कम जाता है, उसी प्रकार से इसका भी धार कम गया, तो आपको उसको ग्राइंडर से उसके धार को धारदार बनाना होगा, ठीक है। आप इसके मेन नाम को जान जाते हैं, जो कि पहले भी हम लोग नाम जान ही चुके हैं, रीमर में भी हमने देखा है, वहाँ पे भी अच्छे से देख लिया जाता है, कि वही नाम यहाँ पे भी है। जैसे यहाँ क्या है भाई, तो पूरा ये जो पूरा पार्ट है ये आपका कटिंग टीथ है, ठीक है। और उसके बाद आपका रहता है फिनिशिंग टीथ, ठीक है। पहले कटिंग करेगा कटिंग टीथ, और उसके बाद फिनिशिंग करेगा। फिनिशिंग में क्या होता है कि जो हाइट देख रहे थे ना कि धीरे धीरे उठता था, ये जो हाइट उठता था ये बाद में बहुत हल्का हल्का उठेगा, ठीक है। हल्का यानी कि बहुत छोटा थोड़ा भारा को बाद में काटना शुरू करेगा, जिससे फिनिशिंग आए, ठीक है। तो लास्ट वाले जो टीथ होते हैं वो फिनिशिंग के काम में आते हैं, कटिंग तो वो भी करता है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में कटिंग करता है, जिससे फिनिशिंग आती है,
ठीक है। तो बाद वाले फिनिशिंग टीथ कहलाते हैं और शुरुआत वाले कटिंग टीथ कहलाते हैं, ठीक है। और कटिंग टीथ में भी देखो क्या है, एक तो यहाँ से यहाँ होता है एकदम बिल्कुल रफ टीथ, तो भर भर के बस काटता है, भर भर के काट लिया ही। और उसके बाद क्या क्या, ये उसके बाद सेमी फिनिशिंग टीथ आता है, ये भी कटिंग टीथ में भी है पर सेमी फिनिशिंग काम आ रहा है। और उसके बाद वाले तो एकदम में नहीं काटेगा, हल्का हल्का जैसे आपका दाढ़ी बनता है ना तो उसमें रहता है कटिंग ब्लेड ब्लेड दूगो, ठीक है, उसी प्रकार का ये भी हाल है। एक कटिंग ब्लेड रहता है, उसके बाद दूसरा कटिंग ब्लेड रहता है और थोड़ा थोड़ा दोनों काटता है, इससे शेप आता है, शार्पनेस आता है। टीवी में दिखाता है ना सेविंग वाला कि भाई दो ब्लेड है, एक वो हल्का सा काटेगा, जो बच गया उसको दूसरा वाला काटेगा। अब ये मत कहना ऐसा पहले वाला एक के वाला जो है पहली वाला है वही पूरा कहानी काट देता है, ठीक है, जाहिर सी बात है नहीं काटता है, दो रहेगा तो भाई जो बच कुछ गया वो भी कट जाएगा, ठीक है। तो यही हाल यहाँ पे है, ठीक है। बाकी ये रियर पॉइलेट है और ये टेल है, ये वाला पार्ट क्या है भाई, तो टेल है, ठीक है। और यही इसको हम फ्रंट पायलट कहते हैं, यहाँ पे है जो रियर पायलट है और यहाँ पे फ्रंट पायलट है, ठीक है, ये वाला। और इसका जो डायमीटर है वो रूट डायमीटर कहलाता है, जो पायलट से हम डायमीटर नापेंगे, ठीक है, वो ना ही थ्रेड पे हम नापेंगे, जो कटिंग टूल है कटिंग टीथ है उस पर भी ना नहीं नापेंगे हम डायमीटर, और ना ही हम डायमीटर ये सब छोटका पतलका पतलका का नापेंगे। हम डायमीटर किससे नापते हैं, वो पायलट पे से हम डायमीटर को नापते हैं, ठीक है, ब्रोच का डायमीटर। बाकी ये फालतू जितने भी जगह है इसको हम सैंक डेंथ कहते हैं, ठीक है, ये आपका पुल एंड है, ठीक है, यही मुख्य रूप से इसका नामकलेचर में है, ठीक है। और इसका हम यूज करेंगे आगे जब पढ़ेंगे कि क्या क्या है ये, किस प्रकार से कहाँ 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 पे किसका इस्तेमाल होता है, इसको हम आगे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रॉन्च कंस्ट्रक्शन क्या क्या है इसमें। देखिए ब्रॉन्च कंस्ट्रक्शन हमने क्या देखा था, तो ब्रॉन्च इज कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ टीथ, उसमें सीरीज ऑफ टीथ होते हैं, धीरे धीरे उसका डायमीटर बढ़ता जाता है, ठीक है। इच टूथ स्टैंडिंग स्लाइटली हायर देन द प्रीवियस वन, जाहिर सी बात है जो पीछे वाला जो टीथ है, डायमीटर बढ़ाने का मतलब कहो या फिर कहो कि उसका टेंथ का थोड़ा सा वो स्लाइटली हायर होता है, थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा होता है ताकि वो ज़्यादा काट सके, ठीक है। देन द प्रीवियस वन, दिस राइज पर टूथ इज द फीड पर टूथ, एक प्रकार से ये जो है जो राइज जितना राइज हुआ है, ठीक है, पर टीथ में जितना का राइज हुआ एक प्रकार से हर एक अगला जो टीथ है वो उतना एक्स्ट्रा काटेगा, यानी कि वो फीड पर टूथ है, एक तरह से उसको अगर टेक्निकल टर्म में न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जाने तो एक प्रकार से फीड दे रहा है। पहला फीड क्या होता है कि पहली बार में जितना काटा अगली बार में कितना काटेगा, फिर अगली बार में कितना काटेगा, तो यहाँ पे एक ही स्ट्रोक में सभी तीत निकल रहा है, तो एक तीत काट के जाएगा, फिर दूसरा तीत काट के जाएगा, फिर तीसरा तीत काट के जाएगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, फीड पर तीत। हर एक एक तीत जाने के बाद अगले तीत में कितने का फीड मिल जाता है, कितना काट लेगा, उसी को हम बोलते हैं फीड पर तीत, ठीक है, या फीड पर टूथ। एंड डिटरमाइंस द मटेरियल रिमूव्ड बाय द टूथ, और इसी से हम निकाल पाएंगे मैथमेटिकली जो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है, कि मटेरियल कितना रिमूव होगा पर टीथ में, तो जाहिर सी बात जितना बढ़ा है उतना मटेरियल रिमूव करके ले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर आर बेसिकली थ्री सेट्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ब्रोच, ठीक है, फिर फिगर में बताया कि तीन प्रकार से पूरा टीथ को बांटा गया है। पहला होता है कटिंग, जो काटना है जिसको भर भर के काटेगा, दूसरा होता है सेमी फिनिशिंग करेगा, ठीक है, और जो फाइनल वाला है ना थोड़ा थोड़ा छाट छाट के क्या करेगा, वो एकदम फिनिशिंग टच देगा उसको, ठीक है, ये काम होगा। फिगर में देख चुके हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द रफिंग टीथ डैट हैज द हायर राइज पर टूथ, जो रफ टीथ होता है जो भर भर के जिसको काटना है, कटिंग टीथ जिसको कह सकते हो, ठीक है, उसमें जो राइज पर टीथ होता है, पर टीथ को हम जितना ऊंचा बनाना है वो बहुत ज़्यादा होता है बाकी की तुलना में, ठीक है, क्योंकि उसको काटना है, ठीक है। तो पर टूथ रिमूवर बल्क ऑफ द मटेरियल, ये जो टीथ होते हैं वो भर भर के मटेरियल को काटता है, ठीक है। इसके बाद जो टीथ आता है तो जिसको हम सेमी फिनिशिंग टीथ कहते हैं, हुज राइज पर टूथ इज अ स्मॉलर, इसमें जो पर टीथ राइजिंग हो रहा है वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, रिमूव रिलेटिवली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल कंपेयर टू द रफिंग टीथ, रफिंग टूथ के तुलना में ये कम कम मटेरियल को काटेगा, थोड़ा थोड़ा काटेगा, ठीक है। और जो लास्ट है फिनिशिंग टीथ, द लास्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड फिनिशिंग और सीजिंग टीथ, इसी को हम फिनिशिंग टीथ भी बोलते हैं या फिर सीजिंग टीथ भी बोलते हैं। ये क्या करता है, तो वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मटेरियल को ये काटता है, विल बी रिमूव्ड बाय दिस टीथ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा काटेगा और फिनिशिंग देगा, हल्का हल्का छीलेगा, ठीक है, और चिकना लाएगा, ठीक है। कहता है द नेसेसरी साइज विल बी अचीव्ड बाय दिस टीथ एंड हेंस ऑल द टीथ विल बी द सेम साइज एट दैट रिक्वायर्ड फाइनली, ठीक है। और इसमें थोड़ा थोड़ा काट करके जो लास्ट टीथ गुजर जाएगा तो आपको फाइनल शेप वो लाके दे देगा,
जाहिर सी बात है ब्रांच का जो सेप है जो पहले से प्रीडिटरमाइंड है कितना का ही बना के वो देगा, वो बन के आपको निकल जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड फाइनली विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम व्हेन द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ बियर आउट द नेक्स्ट सेट ऑफ टीथ विल बी एबल टू प्रोवाइड द साइजिंग फंक्शन। ठीक है, अगर यही अगर करता रहोगे, अगर शुरू देखो जाहिर सी बात है जो काट रहा है ज़्यादा मटेरियल जल्दी ख़राब होगा और ऊपर वाला जो फिनिशिंग टीथ है वो जल्दी नहीं ख़राब होगा। तो आप अगर ब्रोच का आप कहोगे सर जो रफिंग टीथ है वो ख़राब हो गया तो पूरा ब्रोच ख़राब हो जाएगा, तो हो सकता है कि पूरा ब्रोच ख़राब हो जाए। लेकिन आप क्या कर सकते हो उसका इस्तेमाल कि आप जो है वो कटिंग करने के लिए ऐसे भी वो रफ टीथ है ख़राब होगा तभी वो काटेगा वो। ठीक है, क्योंकि रफनेस ही देना है, कुछ शार्पनिंग थोड़ा ना देना है, उसको काटना है तो टूथ अगर आपका ख़राब भी हो जाएगा तब भी वो काट करके देगा ही। फिर भी अगर हो गया ऐसा तब भी आप उस ब्रोचिंग टूल का इस्तेमाल फिनिशिंग के ऑपरेशन में कर सकते हो। अगर उसका मेन वाला जो बड़का बड़का टिथ था वो ख़राब हो गया, जो ज़्यादातर मटेरियल काट रहा था वो ख़राब हो गया, तो कम से कम उसके पीछे वाला फिनिशिंग वाला टिथ तो काम आई भी करेगा। ठीक है, तो साइजिंग फंक्शन के लिए हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। द पुल एंड ऑफ द ब्रोच इज अटैच्ड टू द पुलिंग मैकेनिज्म ऑफ द ब्रोचिंग मशीन। जाहिर सी बात है उसको हाथ से तो खींचोगे नहीं तुम। ठीक है, तो उसके लिए एक पुलिंग मैकेनिज्म लगा रहता है जो उसको पुल और पुश करता रहे, आगे पीछे करता रहे। भाई खैर एक ही स्ट्रोक में काम ही होना है, बार बार रिपीट तो करना नहीं है उसको। ठीक है, एक बार निकला पुल कर लिया तो खत्म हो गया, उसके बाद मशीन उस जॉब को हटाइए, फिर से उसको मैकेनिज्म को रिपीट कीजिए और वो अगला जो मटेरियल उसको भी काट देगा। ठीक है, ब्रोचिंग मशीन विल बी द फ्रंट पायलट एलाइनिंग द ब्रोच प्रॉपरली विद रिस्पेक्ट टू द वर्क पीस एक्सेस बिफोर द एक्चुअल कटिंग स्टार्ट। काटना है बढ़िया से मिला लेना क्योंकि सटाक से वो काट के निकाल देगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक्सेस के साथ आप उसको एडजस्ट कर लीजिए ताकि हमको ढंग का सेप साइज आ पाएगा। ठीक है, ब्रोचिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो और भी बातें हैं। द रियर पायलट हेल्प टू कीप द ब्रोच टू रिमेन स्क्वायर विद द ब्रोचिंग वर्क पीस एज इट लीव द वर्क पीस आफ्टर ब्रोचिंग। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि जो पायलट है उसका कोई यूज नहीं है। पहले मैंने बताया था रिमिंग ऑपरेशन भी पायलट के बारे में डिटेल में। ठीक है, कि एक्सेस को सेट कर रहे हैं मिलाने में ताकि बढ़िया से निकले। ठीक है, ऐसा नहीं टेढ़ा लंगड़ा के साथ आप काट के निकाल दो, तो वो एक्सेस को सेट करने के बहुत काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ब्रोचिंग स्पीड आर रिलेटिवली लो। ब्रोचिंग ऑपरेशन जो होना है वो बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, बाकी जो कटिंग मशीनिंग जो होता है चाहे वो ड्रिलिंग हो गया चाहे वो आपका मशीनिंग हो गया वो ज़्यादा फास्ट होता है। ब्रोचिंग उन सब ऑपरेशन से ज़्यादा स्लो होता है। ऑफ द ऑर्डर ऑफ ये कैसे कितना स्लो है भाई, तो कहता है 6 to 15 meters per minute की रफ्तार से ये काटता है। ठीक है, इसका जो ब्रोचिंग स्पीड होता है वो 6 to 15 meters per minute, एक मिनट में बस 6 to 15 meters ही वो आगे बढ़ पाता है। हाउएवर द प्रोडक्शन रेट इज हाई विद द साइकिल टाइम बीइंग अबाउट 5 to 30 seconds। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन टाइम काफ़ी ज़्यादा पट पट काट के निकालता जाता है। ठीक है, लेथ मशीन से ज़्यादा फास्ट प्रोडक्शन करेगा ये। ठीक है, क्योंकि भाई जा रहा धीरे धीरे काट रहा है लेकिन एक बार में सब निकल जा रहा है ना, काट के निकाल दे रहा है वो। ठीक है, एक बार मूव कर लिया पूरा तो खत्म हो गया, कट के निकल गया, काम हो गया, तो प्रोडक्शन रेट काफ़ी हाई होता है। ठीक है, ये 5 to 30 seconds का ये प्रोडक्शन मतलब समय लेता है एक साइकिल कंप्लीट करने में। इंक्लूड द वर्क पीस एंड टूल हैंडलिंग टाइम। ठीक है, इसमें वर्क पीस को भी लगाना है, टूल हैंडलिंग टाइम जो भी है आलतू फालतू टाइम वो भी लग जाता है, तब भी जाके 5 to 30 seconds में काम कंप्लीट करके निकाल देता है। ठीक है, द लो कटिंग स्पीड आर कंडक्टिव टू वेरी हाई टूल लाइफ विथ वेरी स्मॉल टूल बियर लेट। अब कहते हैं कि हम कटिंग स्पीड इतना कम क्यों रखते हैं, इससे क्या होता है कि टूल लाइफ बढ़ जाता है क्योंकि ब्रोच टूल जो आता है बहुत महंगा आता है। ठीक है, तो स्पीड कम करके बहुत तेज मूव कराओगे जो एकाएक बजराएगा उसका टूल तो वो टूट जाएगा। ठीक है, एकाएक स्ट्राइक करेगा जाहिर सी बात है मटेरियल के साथ तो वो टूटने का डर रहेगा, इसलिए हम इसका स्पीड स्लो रखते हैं। ज़्यादा फास्ट रखोगे आपका जल्दी जल्दी ब्रोच आपका ख़राब होगा और काफ़ी महंगा होता है ब्रोच, तो भैया जल्दी करने के चक्कर में आपका टूल ही ख़राब होता रहेगा, तो एक तरह से टाइम तो वो ले ही लेगा, फिर टूल को बदलते रहो बार बार। ठीक है, तो ये है एक थोड़ा सा, और वेरी स्मॉल टूल बियरिंग रेट भी होता है। अगर आप स्लो स्पीड रखोगे तो लाइफ भी बढ़ेगा और आपका बियर भी टूल का कम होगा। ठीक है, और देखने से कंस्ट्रक्शन में ब्रोचेज आर ग्रेजुअली मेड ऑफ हाई स्पीड स्टील। जो ब्रोच बने होते हैं वो जनरली बने होते हैं हाई स्पीड स्टील का इन व्यू ऑफ इट्स हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। और क्यों बना होता है, तो कि जाके उसको बार बार टकराना है, एक टूल काट के गया अगला एक ना टकरा जाएगा तुरंत पटाख से। काटना अलग होता है कि अटैच में जैसे क्या होता है
कि अगर आपका मशीनिंग ऑपरेशन करते हो लेथ मशीन पे तो क्या करता है, वो सटा रहता है धीरे धीरे करता रहता है, मतलब इम्पैक्ट नहीं हो रहा, टकरा नहीं रहा। यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे टिथ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मटेरियल आएगा यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा ना इस पर, ठीक है, एकाएक टकराएगा, उसको काट के निकालेंगे, तो यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो अगर तुमने कोई ब्रिटल मटेरियल का ज़्यादा बना दिया तो वो टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम हाई स्पीड स्टील का बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसका हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होता है। समटाइम हम इसका टाइटेनियम नाइट्राइड का भी बना, इस पर कोटिंग चला देते हैं। द टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग हेल्प टू इम्प्रूव द टूल लाइफ फर्दर, ठीक है। जो इसमें हाई स्पीड स्टील का मटेरियल का तुमने ब्रोच बनाया है उसके ऊपर भी टाइटेनियम नाइट्रेट का कोटिंग चढ़ा होता है, जिससे और इसका लाइफ इंप्रूव हो जाता है। ऑल्सो द कार्बाइड इंसर्ट, जानवर का तो कार्बाइड का इंसर्ट लगाया जाता है ताकि वो कटिंग अच्छा से करे, ठीक है। पूरा का पूरा तो बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कार्बाइड जानते हो कि ब्रिटल होता है, वो टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे हम दे देते हैं हाई स्पीड स्टील ताकि टूटे नहीं, और ऊपर उसके नोक पर दे देते हैं कार्बाइड। तो कार्बाइड इंसर्ट टाइप ब्रोचेज आर यूज मोर फॉर द सर्फेस ब्रोचिंग ऑफ कास्ट आयरन फॉर वेरी लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन, ठीक है। अगर कास्ट आयरन को काटना है, कास्ट आयरन के साथ भी जानते हो कि वो काम नहीं करेगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम कार्बाइड का उसको हम नोच दे देते हैं, ठीक है, एक इंसर्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो आयरन फॉर अ वेरी लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन, बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन करना है, बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी ढेर सारे मास प्रोडक्शन करना है, भनाभन, तो इसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्शन टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंट रीशार्पनिंग ऑफ द ब्रोच, ठीक है, क्योंकि अगर हाई स्पीड स्टील का ही छोड़ दोगे तो बार बार आपको टूल को निकाल को बताया मैंने कि उसका शार्पनिंग करना पड़ेगा, तो वो जानते हो कार्बाइड वाला जल्दी से बियर नहीं होगा, वो ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है, लेकिन ब्रिटल होता है, इसलिए हम उसका बस इंसर्ट लगा सकते हैं, नोच लगा सकते हैं, ठीक है। विच इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑपरेशन, जाहिर सी बात है इसका जो शार्पनिंग होता है ग्राइंडर से देखवे की कि कितना मुश्किल से होता है, तो वो काफ़ी मुश्किल टफ प्रोसेस है ब्रोच को शार्प करना, उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि भैया ये सब काम से बचें, ये सब झमेला से बचें, जो ब्रोच को हम सीधा करते रहें, उसको शार्प करते रहें, उससे पैसा खर्चा वाला काम है, ठीक है, तो उससे बचने की हम कोशिश करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ब्रोचेज आर अवेलेबल फॉर कॉमन एंड मोर ऑफ्टन यूज फॉर्म सच एज राउंड एंड स्क्वायर होल्स कीवेज, ये सब बनाने में जनरली ब्रोच का ब्रोचिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोच कंस्ट्रक्शन में फॉर अ स्मूथ ऑपरेशन इट इज इसेंशियल डैट एटलीस्ट टू और थ्री टीथ बी साइमल्टेनियसली ग्रेजुएट इंगेज्ड, ठीक है। क्या होता है कि भाई आपको अगर स्मूथ ऑपरेशन, मैंने बताया कि बार बार इम्पैक्ट होगा तो कट 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 लगे तो आपको पूरे मशीन में वाइब्रेशन क्रिएट होगा, चैटर होगा, टकरा रहा है बार बार, टकराएगा एक मटीरियल को जाके टकराया, मटीरियल यहाँ पर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और आपके जो टूल है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है इसका, ठीक है, इस प्रकार से इंक्रीज कर रहा है, तो एक बजा की बार टकराया कट से, फिर अगला ही टकराया तो वाइब्रेशन में है ना उस वक्त, और दूसरा उसी बार टकरा गया तो बढ़िया से काट नहीं पाएगा। तो कोशिश हमारा होता है कि एक समय में दो से तीन जो उसके ब्लेड जो कटिंग टू एज हैं वो कॉन्टेक्ट में रहे मटेरियल के, ठीक है, ताकि इससे क्या हो भाई, तो ये स्मूथ ऑपरेशन हो, वाइब्रेशन ना हो, एकदम हमको अच्छा लगा कि एकदम स्मूथली काम हो रहा है, कट रहा है, कट कट चट 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 लगेगा, ठीक है, इस प्रकार से ऑपरेशन होगा, ठीक है। अगर हम थंब रूल ऑफ द टूल स्पेसिंग की बात करें कि भाई कितना डिस्टेंस में होना चाहिए, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है, और इम्पेरिकल फॉर्मूला है कि इस प्रकार से रखिएगा तो क्या होगा, अधिक से अधिक जो उसके टिथ है वो कांटेक्ट में रहेंगे, तो एस इक्वल टू होता है 1.75 रूट इंटू रूट ऑफ एल, ठीक है, ये एमएम में है, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर हम रखते हैं द कट पर टूथ, अगर फीट की हम बात करें कि भाई एक टिथ गया है काट के तो दूसरा टिथ आगे कितना एक्स्ट्रा काट के जाएगा, तो वो करीबन 0.05 mm से लेकर 0.09 mm के बीच होता है, रखना चाहिए अगर कंस्ट्रक्शन होता है, जनरली होता भी है क्योंकि आपको तो मिलेगा, आपको थोड़ा ना बनाना है, ठीक है। तो जो आपको ब्रोच होता है वो उसका कुछ इस प्रकार से रहता है, 0.05 mm से लेकर 0.09 mm के बीच का उसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन द नॉर्मल स्पीड पर बिल्ट अप एज की बात करें, मे बी प्रॉब्लम, बिल्ट अप एज का प्रॉब्लम होगा, जो कि आपको बताया गया था कि वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पर भी मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, कटिंग ऑपरेशन प्रोडक्शन वाला, प्रोडक्शन थ्री थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग वाला में, तो उसमें मैंने ये सब बिल्ड अप एज के बारे में बता रखा है डिटेल में, तो उसको जरूर जाके देखिएगा, उसमें आपको डिटेल में डिस्कशन होगा। बिल्ट अप एज हो गया, या इसके पहले मैं इंसर्ट की बात कर रहा था, आप लोगों को हो सकता है समझ में ना आ रहा होगा, तो वहाँ पर जाके जरूर देखिएगा थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग में, ठीक है।
तो वहाँ पे आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो ये कहता है बिल्डअप इज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, टू अवॉइड दिस कॉपियस सप्लाई ऑफ द कटिंग फ्लूड इज प्रोवाइड, आपको कंटिन्यूसली फ्लूड का, कटिंग फ्लूड का सप्लाई करना होगा ताकि बिल्डअप एज ना बने। ठीक है, बिल्डअप एज ना बने, बिल्डअप एज बनेगा तो वो कटिंग को ख़राब कर देगा। ठीक है, बिल्डअप एज क्यों बनता है आप जानते हो कि भैया ये ऐसे ऐसे है, तो यहाँ पे जो मटेरियल टकरा है वो ये क्या कर लेगा, उसमें फंसा रह जाएगा। ठीक है, और फंसा हुआ रह जाएगा और उसको मैंने कवाड़ कवाड़ के ले जाएगा एक तरह से मटेरियल को, समझो तो। ठीक है, तो एक स्मूथ सरफेस जो आपको मिलना चाहिए कटिंग का, और फिर ये जो कट के निकल के गया है इसमें बझा हुआ है, सटा हुआ है, वो आगे जाके फिर से दिक्कत करेगा कटिंग करेगा तो। ठीक है, तो इस सब को अवॉइड करने के लिए हम कटिंग फ्लूड का सप्लाई करते रहते हैं ताकि स्मूथ कटिंग हो। ठीक है, इसमें कटिंग फ्लूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ब्रोचिंग ऑपरेशन, ब्रोचिंग ऑफ ब्रोच को देखोगे तो पूरा एकदम लुब्रिकेंट से भींगा रहता है। ठीक है, कटिंग फ्लूड से एकदम भीगा रहता है, तुम देखना कभी भी किसी मशीन को, क्या ब्रोचिंग मशीन को देखोगे तो बिल्कुल भींगा रहेगा। अगर एडवांटेजेस की बात करें ब्रोचिंग का, तो इट इज़ अ फास्टेस्ट वे ऑफ फिनिशिंग एन ऑपरेशन विद अ सिंगल स्ट्रोक, एक ही बार में एक बार में सट से काट के निकाल दिया और फिनिशिंग करके निकाल के दिया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आपका ब्रोचिंग ऑपरेशन का। ठीक है, नेक्स्ट है सिंस ऑल द मशीनिंग पैरामीटर्स आर बिल्ट इन टू द ब्रोच। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, तो जितने भी मशीनिंग पैरामीटर हैं सब के सब ब्रोच में होता है, जैसे कि वेरी लिटिल स्किल इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर कैसनो रहे वो आराम से करता है, लेथ मशीन थोड़ा चलाना है इसमें, यहाँ पे बटन दबाओ सट से काट के निकाल देगा। ठीक है, तो कितनो अनस्किल्ड लेवल भी है, कम स्किल्ड लेवल भी है, तो वो भी काम चला लेगा, तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट आपका बच जाएगा। ठीक है, अगर आपको ब्रोचिंग ऑपरेशन कराना है तो ब्रोच, क्योंकि उसमें ये भी स्पीड भी सेट रहता है। ठीक है, वो भी मैनिपुलेट नहीं भी सेट रहेगा तब भी बता दिया जाए कितना स्पीड पे कामें करना है, तो उसको अपने से जैसे लेथ मशीन में बहुत स्किल की जरूरत पड़ता है, उसमें मैनुअली भी करना होता है, ऑटोमेटिकली तो करोगे नहीं, जानवे करते हो कि बहुत दिक्कत कर देता है वो ऑटोमेटिकली में। ठीक है, ऑटोमेटिक जहाँ होता है वो तो हाईली ऑटोमेटिक होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर आप जो सिंपल लेथ आप वर्कशॉप में यूज करते हो वहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है, पर यूज करते हैं क्या लोग, नहीं करते हैं उसका यूज। ठीक है, उसमें दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट है ब्रोचिंग मशीनिंग मशीन इज सिंपल सिंस ऑल सिंस ओनली अ सिंगल रिसिप्रोकेटिंग मोशन इज रिक्वायर्ड फॉर कटिंग। तो ये ब्रोचिंग मशीन जो भी है उसका सेट सेटअप, तो मैंने सिर्फ ब्रोच की बात की। ठीक है, जाहिर सी बात है ब्रोच जो होगा वो लगा होगा एक मशीन पूरा सिस्टम पे, जैसे लेथ मशीन का पूरा एक बड़ी और स्ट्रक्चर होता है उसी प्रकार लगा होगा, तो वो भी बहुत सिंपल होगा, क्योंकि बस उसको ब्रोच को बस मूव कराना है। यहाँ लेथ मशीन का वो चक नहीं है जो रोटेट कराना है, मोटर लगाना है, बेबी नहीं, यहाँ बस ब्रोच को रिसिप्रोकेटिंग मोशन कराना है बस। ठीक है, तो वो भी इसका जो मशीन होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। नेक्स्ट है फाइनल कॉस्ट ऑफ द मशीनिंग ऑपरेशन इज वन ऑफ द लोएस्ट फॉर मास प्रोडक्शन, क्योंकि इसलिए जनरली ब्रोच का जो ऑपरेशन होता है वो मास प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, इसलिए इसमें कॉस्ट जो होता है वो बहुत ही कम पड़ता है। ठीक है, तो ब्रोचिंग का कॉस्ट भी कम पड़ेगा, तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट है एनी टाइप ऑफ सरफेस इंटरनल और एक्सटर्नल कैन बी जनरेटेड विथ ब्रोचिंग, चाहे इंटरनल सरफेस कीवे काटना हो, एक्सटर्नल काटना हो, दोनों ब्रोचिंग ऑपरेशन बहुत ही कारगर साबित होता है, पट से काट के निकाल देता है, बीच से भी छेद करके निकाल देगा ये। ठीक है, जैसे बीच में क्या है पूरा मटेरियल ऐसा है, ठीक है, और ब्रोच को बीच से भी अगर आप निकाल लोगे ऐसे ऐसे बीच से, अगर यहाँ से कट करोगे तो यहाँ पे एक होल बन के आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में काम आता है, वही इंटरनल थ्रेड काटना है आपको लेथ मशीन से तो बड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, बीच में कहीं पर होल करना है लेथ मशीन से तो बड़ा दिक्कत होगा आपको, लेकिन ये पट से करके दे देता है ब्रोचिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। मेनी सर्फेसेस विच आर वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल बाय अदर मीन्स कैन बी डन बाय ब्रोचिंग, बहुत सारे जैसे कहा बीच में आपको होल करना है तो वो बहुत चदरा उदरा पे बहुत बड़ा मेटल प्लेट है, ठीक है, तो उस पर आपको होल करना है तो वो आपको मुश्किल पड़ेगा, लेकिन ये जो ऑपरेशन है ब्रोचिंग ऑपरेशन वो पट से करके दे देता है, तो जो बहुत हमको सोचने में लगता था वहाँ इम्पॉसिबल कैसे करें, ठीक है, उसको ये ब्रोचिंग ऑपरेशन बहुत ही इजीली करके दिखा देता है। ठीक है, तो मेन बहुत सारे ऐसे सर्फेसेस हैं, जैसे आपका स्क्वायर होल हो गया, स्क्वायर होल कैसे करोगे, लेथ मशीन से नहीं होगा स्क्वायर होल, ठीक है, वो आपको सर्कुलर होल करके देगा, स्क्वायर होल नहीं करके देगा लेकिन ब्रोच करके देगा। ठीक है, कीवे में जनरली यही होता है, इंटर स्प्लाइंस बनाना है वो भी आपको जनरली कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन से नहीं देगा, ब्रोचिंग ऑपरेशन से बड़ा इजीली हो जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है गुड सरफेस फिनिशिंग एंड फाइन डायमेंशनल टॉलरेंस कैन बी अचीव्ड बाय ब्रोचिंग, ऑफ्टन बेटर देन द बोरिंग एंड रीमिंग। बोरिंग रीमिंग जो कि एक भाई ये रीमिंग जो है ये फिनिशिंग ऑपरेशन है, ठीक है, फिर भी उससे भी ये बेटर फिनिशिंग देता है, और वो भी एक ही स्ट्रोक में एक बार पट से निकला उससे बेहतर फिनिशिंग देता है ये। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा है कि गुड सरफेस फिनिशिंग। देखो कुछ लोग कहता है कि बोरिंग एक फिनिशिंग ऑपरेशन है,
कह सकते हो क्योंकि फिनिशिंग करके ये देता है, पर ये नहीं है कि सिर्फ फिनिशिंग ही करता है, ये काटने के बाद फिनिश करके भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी हम बात कर रहे थे, रीमिंग, बोरिंग, ब्रोचिंग, सब में ही है कि सबको फिनिशिंग से जो लोग जोड़ देते हैं, फिनिशिंग ऑपरेशन है, ऐसा नहीं है, कटिंग भी कर रहा है ब्रोचिंग, ठीक है। तो भाई चीज़ों को समझना है ढंग से, ऐसा नहीं किताब में पढ़ लिया, किताब वाले तो वो सारांश लिखते हैं वो, ठीक है, सबका, वो आगे तुम एक लाइन पढ़ के उसी के पीछे पड़े रहते हो। यहाँ पे समझना है हमको पूरा डिटेल में वो क्या कर रहा है, ठीक है। बाकी आप एग्जाम में क्या बोलते हो, क्या लिखते हो, अलग बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वाइवा वगैरह में घुमा के पूछ सकते हैं कि क्या करता है, कैसे करता है, पता रहेगा तो बताओगे आप, ठीक है। तो ये बोरिंग और रीमिंग से भी बेटर सरफेस फिनिशिंग देता है और बेटर डायमेंशनल टॉलरेंस भी देता है, ठीक है, ब्रोचिंग ऑपरेशन। अब लिमिटेशन की बात करते हैं, तो लिमिटेशन में क्या है भाई, तो कस्टम मेड ब्रोच आर वेरी एक्सपेंसिव एंड कैन देयरफॉर बी जस्टिफाइड ओनली फॉर वेरी लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन, ठीक है। तो कहता है कि देखो, मैंने बताया कि कोई भी एक होल करना तो उसके लिए एक अलग ब्रोच आएगा, ये सबसे बड़ा दिक्कत है इसके लिए, ठीक है। यानी कि एक ब्रोच आ गया तो एक ही तरफ का, एक ही सेप साइज का डायमीटर का, जैसे कोई एक स्क्वायर होल करना है, ठीक है, एक चदरा बड़का हुआ है और उसमें एक होल करना है और इस होल का डायमीटर वगैरह दे रखा है, ठीक है। तो एक ब्रोच ले आया और सब में बार बार बना बन ऐसे ही तुम होल करते चले गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा मजा आया करने में, लेकिन हमको कहें कि एगो में हमको बड़का होल करना है, तो एगो में बड़ा होल करना उसके लिए कोई मशीन नहीं है, उसके लिए एक अलग ब्रोच खरीदना पड़ेगा और एक ही में करना है तो महंगा पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि सिर्फ मास प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो सका, वरना एक ब्रोच स्पेशल बनाना पड़ेगा, एक दो में अगर करना होगा तो एक ब्रोच स्पेशल बनाना पड़ेगा जो कि काफ़ी महंगा पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अ ब्रोच हैज बी डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंड कैन बी यूज ओनली फॉर द एप्लीकेशन, ठीक है। तो ब्रोच जो बनाया जाता है स्पेशली किसी एक ऑपरेशन के लिए बनाया जाता है कि ये ही चीज़ ये कर सकता है अप्रोच, ठीक है, जैसे चीज़ों को तुमने बदला, ठीक है, सेम वो फंक्शन करके देगा। अगर तुमको होल का डायमीटर साइज कुछ भी बढ़ाना घटाना है तो उसके लिए अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात उसके डिजाइनिंग आएगा, ठीक है। तो ब्रोच हैज बी डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, एक फिक्स काम के लिए इसको बनाया जाता है, कैन बी यूज्ड ओनली फॉर दैट एप्लीकेशन, उसी काम के लिए उसका इस्तेमाल होगा, हेंस द लीड टाइम फॉर द मैन्युफैक्चर इज मोर फॉर द कस्टम डिजाइन ब्रोचिंग। अगर आपको बार बार अलग अलग चीज़ बनाना है तो जाहिर सी बात है बहुत महंगा पड़ जाएगा, ये बार बार डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, बार बार इसका नया नया टूल्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो महंगा पड़ जाता है। ब्रोचिंग बींग अ वेरी हैवी मेटल रिमूवल ऑपरेशन, ठीक है, जाहिर सी बात है ये वेरी हैवी मेटल रिमूवल ऑपरेशन रिक्वायर्ड दैट द वर्क पीस इज रिजिड एंड केपेबल टू विदस्टैंड द लार्ज फोर्स, या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बार बार झटका पड़ रहा है, तो आपका जो बड़ी होना चाहिए, मशीनिंग बड़ी होना चाहिए, ठीक है, सपोर्टिंग बड़ी होना चाहिए, जो जिसको ब्रोच को हैंडल कर रखा है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, इम्पैक्ट लगेगा उसको। अगर मोटर से तुम उसको चला रहे हो तो बहुत ही हैवी मोटर चाहिए ताकि उसको जो इम्पैक्ट लग रहा है, झटके लग रहे हैं, उससे वो बैक उल्टा घूम ना जाए, ठीक है। तो वेरी हैवी मेटल रिमूवल ऑपरेशन रिक्वायर्ड एट द वर्क पीस रिजिड, वर्क पीस पे भी क्या कर रहा है, बार बार वो टकरा रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं इसमें छेद करना है और ये रहा प्लास्टिक का और ब्रोच है आपका लोहे का, मजबूत, ठीक है, ठीक है, तो एक के बाद दूसरा टकराएगा तो हो सकता है ब्रेक कर जाए, ठीक है, ये हो सकता है, वो टूट जा सकता है, तो ये सब चीज़ें हो सकता है। तो आपको जो वर्क पीस होना चाहिए वो रिजिड होना चाहिए, यानी कि जिस पे ऑपरेशन होना है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, लोहे का होना चाहिए, केपेबल ऑफ द विदस्टैंड द लार्ज फोर्स, उसका इम्पैक्ट फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को वो झेल सके, नहीं तो वो टूट जाएगा, ठीक है, छेद उसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रोचिंग कैन ओनली बी कैरिड आउट ऑन द वर्क पीस हुज ज्योमेट्री इज सच दैट देयर इज नो इंटरफेरेंस फॉर द ब्रोच मूवमेंट फॉर द कटिंग, ठीक है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे ब्रोच को आना है, ठीक है, मैंने जैसे बार बार मैं प्लेट बना रहा हूँ, ठीक है, और उस पर मैं इस तरह से ब्रोच को ला रहा हूँ और मान लेते हैं कि ऐसा सरफेस रहता गोल गोल और कहता अब नीचे वाला में छेद करो तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो ब्रोच को आने का भी मूवमेंट के लिए भी जगह चाहिए, तो बहुत ही टेढ़ा लंगड़ा अगर कोई वर्क पीस है तो उसमें ब्रोचिंग ऑपरेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ब्रोच को आने के लिए मूव करने के लिए ब्रोच लंबा लंबा ना होता है, ठीक है, तो उसको मूव करने के लिए भी जगह चाहिए। तो कोई भी ऐसा टफ ज्योमेट्री हो गया जिसमें इंटरफेरेंस हो जाए, ठीक है, उसके ब्रोच टूल से ही, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ये कटिंग ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो ये सब फालतू के लिमिटेशंस हैं, ठीक है, जिसको हमने देखा। अब बात करते हैं, ये पूरा आपका ख़त्म हो गया है जिसमें हम लोगों ने रीमिंग ख़त्म कर लिया, ठीक है, बोरिंग ख़त्म कर लिया और ये ब्रोचिंग ऑपरेशन को भी हम लोगों ने डिटेल में देख लिया है। कुछ भी सवाल वगैरह आपके दिमाग में हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप, या फिर ईमेल आईडी भी दिया होगा, चाहे वो चैनल के पास जाइए, चैनल के अबाउट में आपको दिया होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वहाँ पर दिया होगा, ठीक है।
डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा जो भी वीडियो बनने के बाद आता है उसको मैं वहीं पर डाल देता हूँ, ठीक है, तो उसको भी जरूर देखा कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है आपका क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, इस क्वेश्चन का भी आंसर बताइए। जैसे सागर क्वेश्चन इस एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ एग्जाम में नहीं आता है, ये पहले ही आ चुके हैं, ठीक है, और हाल में आया 2001 में आया हुआ है, ठीक है, तो बस यही है, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अगर कोई सवाल वगैरह है आपके दिमाग में, ये पूरा ये कोर्स ख़त्म हो रहा है जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा भाई, तो हम लोगों ने रिमिंग देखा, बोरिंग देखा और ब्रॉचिंग ऑपरेशन देखा, ठीक है, तो बस इस पूरे में इतना ही था, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन पूछा था मैंने उसको मैं लास्टली आंसर बता देता हूँ, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर हैं, ड्रिलिंग बोरिंग रिमिंग ये सब ऑपरेशन हमने देखा, जिसमें ये उसके जो क्वेश्चन थे उसके ऑप्शन हैं, देख लीजिए आंसर मिला लीजिए और मुझे बताइए कि भाई कितने आपके सही हुए हैं कितने गलत हुए, कि मैंने पढ़ाया उससे फ़ायदा हुआ कि नहीं, क्वेश्चन बना कि नहीं, और भी आप क्वेश्चन लगा सकते हो, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हैं, गेट हो, ईएससी हो या कोई भी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे कोई पीसीयू का पीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी जेई का एग्ज़ाम हो और रेलवे का एग्ज़ाम हो और आरआरबी का एग्ज़ाम, आरआरबी जेई और एसी जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं आप अपने क्वेश्चन को, मैं उसका सोल्यूशन निश्चित रूप से नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कोर्सेज इसमें आते रहेंगे, ठीक है, कुछ और भी आते हैं कंपिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड, जाहिर सी बात तो हो सकता है वो आपको डिस्टर्ब भी करते हो, लेकिन वो आपके काम के ही है, क्योंकि हर बच्चा इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग का जॉब ले लेता है ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे हिंदी ग्रामर वगैरह के भी कोर्सेज आते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड भी कोर्सेज आते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया आजकल के कंपिटेटिव एग्जाम में, ठीक है, इसके बारे में अगर जानकारी नहीं रहेगा तो आप वो भी नहीं कर पाओगे, ऐसे कंप्यूटर की जानकारी तो इंजीनियर को होता ही है, फिर भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जानवे करते हो कि तुम लोग का अधिकतर का जॉब जो लगता है TCS भी प्रो और इन्फोसिस वगैरह में लेते हो, तो उससे भी रिलेटेड जो है वो भी मैं कोर्सेज अपलोड कर रहा हूँ, कर रहे हैं लोग, कई सारे और भी एडुकेटर्स हैं जिस पे अपने कोर्सेज अपलोड करते हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, हो सकता है वो कोर्स इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, जैसे कोई नया प्लेलिस्ट बनता है वो आपके इंपॉर्टेंट है आपके काम का है तो उस प्लेलिस्ट को अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर लीजिए, ठीक है, और उसको देखिए, बाकी जो प्लेलिस्ट आपके काम का नहीं है उसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। आप ये भी कर सकती हो कि बेल आइकन क्लिक कर सकती हो और उसको पर्सनलाइज कर सकते हो ताकि आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड ही जो वीडियो हो आपके उसका नोटिफिकेशन मिले, बाकी नोटिफिकेशन आपको ना मिले, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक तो करना ही करना है और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर सब्सक्राइब तो कर ही लिए होगे आप, ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपका एडुकेशनल ग्रुप है, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे अपने दोस्तों को इसको जरूर सेंड कीजिएगा, ठीक है, उनको भी फायदा होगा, आपको दुआएं देंगे कि यार दोस्त हमको मानता है, आपको क्या करना पड़ा, कुछ भी नहीं, ठीक है, और मुझे मेरा वीडियो अगर अधिक से अधिक चलेगा तो मैं भी मोटिवेट होगा कि अधिक से अधिक वीडियो मैं बनाऊँ, ठीक है, और जैसे देख ही रहे हो कि थोड़ा सा डिले हो जाता है, जब भी मुझे समय मिलता तब बनाते हैं, ऐसे ज़्यादा लोग देखेंगे, अधिक से अधिक लोग देखेंगे तो मैं और अधिक से अधिक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच।